हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट नंबर 2 है क्लास 12th का, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस पर डील कर रहे थे। एंड इसी में आगे बढ़ते हुए आज एक नए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। वो क्वेश्चन है कि एक ग्राफ से रिलेटेड सवाल है दैट ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ है, आर प्लॉटेड फॉर अ कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 एंड T2। ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, ग्राफ बिटवीन आई एंड वी आर प्लॉटेड फॉर अ कंडक्टर, आर प्लॉटेड फोर अ कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 एंड T2। एट टेम्परेचर T1 एंड T2 एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। इस एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस भी को दिखाया गया है और इस एक्सिस में आपको करंट को दिखाया जाता है जनरल कंडीशन में। ये तो थोड़ा अलग दिया गया है, यहाँ पे करंट और इस एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस भी को दिखाया गया है। और यहाँ पे ये रहा आपका T1 एंड दिस इज टेम्परेचर T2 के लिए ग्राफ है। आपको बोला जा रहा है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन इज T1 इज इक्वल टू T2। दूसरा ऑप्शन है T1 इज ग्रेटर देन T2। तीसरा ऑप्शन है T1 इज लेस देन T2। और चौथा ऑप्शन है T1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू T2। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ओम्स लॉ को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, दैट्स आवर वी इज इक्वल टू IR, और वहाँ से R का वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। अब आपके दिमाग में यह सवाल चलता होगा मे बी कि वाई क्या ज़रूरत है R का वैल्यू को फाइंड करने का। एक्चुअली इस प्रश्न में आपको इन गिवन जो रिलेशंस है जिसमें अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो रिलेशन है वो सही है। तो यदि हम लोग R का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दैट इज़ रेसिस्टेंस का, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस से हम लोग ये जानते हैं that R is directly proportional to T, मतलब रेसिस्टेंस R जो टेम्परेचर T का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें R का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें
जो रूल होता है दैट्स योर के आर इज इक्वल टू वी बाय आई, एक्चुअली फॉर्मूला होता हमारे पास वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू वी बाय आई। हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे दैट इज टेन थीटा। एक बार यहाँ पर थीटा वन और इसके लिए थीटा टू, इसको ऐसे करके मैच करेंगे। तो जब यहाँ से हम लोग टेन थीटा फाइंड करेंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाय बी। तो यहाँ से टेन थीटा वन जब निकालेंगे और टेन थीटा टू जब निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा आई बाय बी, और इसमें भी आ जाएगा आई बाय बी। आई बाय बी आ रहा है, मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए कि थीटा टू बड़ा है और थीटा वन जो है वो छोटा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई बाय बी जो है वो जी को देता है। जी, जी फोर क्या, तो जी फोर कंडक्टेंस, जी फोर कंडक्टेंस, एंड कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू रेसिस्टेंस, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो जहाँ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लिखा हुआ है वहाँ लिख सकते हैं जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब जिसका टी का वैल्यू कम होगा उसका जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जिसका टी का वैल्यू, जिसके लिए टी का वैल्यू ज़्यादा होगा उसके लिए जी का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टी वन जो है वो छोटा है और टी टू जो है वो बड़ा है। तो यहाँ से जब कंडक्टेंस का बात होगा तो इसमें जी टू, जैसे इसमें क्या है कि टी टू बड़ा है टी वन छोटा है, तो सिमिलरली जब टी वन बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जी वन छोटा हो जाएगा, और इसमें आप देखिए कि टी और जी, टी वन बड़ा है तो जी वन छोटा होगा और टी टू छोटा होगा तो टी वन बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी टू बड़ा है, टी टू बड़ा है तो जी टू छोटा होगा, और टी वन यदि आप देख सकते हैं छोटा है तो ये जी वन बड़ा होगा। तो इस प्रकार से लिख देंगे। तो इस इक्वेशन का जो सही मायने होगा यहाँ पर कि ग्राफ बिटवीन आई एंड बी आर प्लॉटेड फॉर अ कंडक्टर, इसमें से कंडक्टर का केस में यदि देखा जाए तो कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, तो यहाँ पे जैसे नीचे में है टी वन, तो टी वन इज़ ग्रेटर देन टी टू। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए ये आई बाय भी का ग्राफ है, आई बाय भी का ग्राफ है। जनरल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो भी और आई का ग्राफ में जो ऊंचा रहता है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा और जो नीचे रहता है उसका रेसिस्टेंस कम, एंड रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी। तो यही सब कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे एंड टी वन इज़ ग्रेटर देन टी टू। अगला सवाल है, इफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज म्यू ई, इफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज म्यू ई एंड मोबिलिटी ऑफ होल इज म्यू एच,
देन, फर्स्ट ऑप्शन म्यू ई इज इक्वल टू म्यू एच, म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच, म्यू ई इज लेस देन म्यू एच, और म्यू ई इज लेस देन इक्वल टू म्यू एच। आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को म्यू ई से रिप्रेजेंट किया जाए और होल का जो मोबिलिटी है उसको म्यू एच से रिप्रेजेंट किया जाए, तो गिवन जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन वैलिड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेप्ट जनरली हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जब कंडक्टर का बात करेंगे और उसके कंपैरिजन यदि किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, तो कंडक्टर के पास ज़्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने लैटिस से डिस्प्लेस हो जाता है तो उस जगह पर जो वैकेंसी क्रिएट होता है, वो जो वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है, वो एक पॉजिटिव नेचर को शो करता है जो अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड होल। मोबिलिटी का बात किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का और होल का किसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा, तो मोबिलिटी इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मोबिलिटी। मीन्स म्यू ई बराबर वी डी बाय ई, म्यू ई बराबर वी डी बाय ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। म्यू ई इज इक्वल टू वी डी बाय ई। अब फॉर कंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो किसी कंडक्टर के पास जब अधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, तो देन ऑब्वियस सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा होंगे तो उस कंडीशन में जो मोबिलिटी है, दैट इज़ म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच। वैसे ये एक कॉन्सेप्चुअल फैक्ट भी है, बट मैथमेटिकली यहाँ से यदि देखा जाए तो म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच, ये सही होगा। दूसरा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 100 वाट हीटर इन 2 मिनट्स इज इक्वल टू, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल फैक्ट में है, हीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि द हीट प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन है कि द हीट प्रोड्यूस्ड, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए 100 वाट हीटर, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए 100 वाट हीटर इन टू मिनट्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 4 × 10³ जूल, सेकेंड ऑप्शन
सिक्स इंटू 10th power 3 जूल। थर्ड ऑप्शन 10 into 10th power 3 जूल। एंड 12 into 10th power 3 जूल। इसमें से कौन सा सही है? अब देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एनर्जी का, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब आप चाहें तो इसी हीट को इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसके बाद इसी इक्वेशन को यदि आगे बढ़ाया जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डब्ल्यू बाई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल W बाय जो T है उसको हम लोग इतना दूर करने का ज़रूरत नहीं था। जो H बराबर आई स्क्वायर आर टी है, हम लोग को एक्चुअली हीट ही निकालना है ना। तो एक काम करते हैं कि इसको हम लोग पावर के टर्म में कैसे निकाल सकते हैं। तो पावर के लिए एक फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई, पी बराबर वी आई, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो आई आर इंटू आई ऐसे लिख सकते हैं इंटू टी। आई स्क्वायर आर है तो आई आर इंटू आई इंटू टी। ये जो आई आर है लिखेंगे सिंस फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दैट एच इज इक्वल टू वी आई टी, एच इज इक्वल टू वी आई टी। एंड नाउ जहाँ भी आई है वहाँ लिख देंगे एच बराबर पी टी, एच बराबर पी इंटू टी। एच स्टैंड्स फॉर हीट एनर्जी जो कि प्रोड्यूस करेगा, पी स्टैंड्स फॉर पावर, पावर ऑफ द हीटर, एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एच बराबर पी के जगह 100 वाट और टाइम टी की जगह है 2 मिनट्स। अब यहीं पर थोड़ा सा सोचने वाला चीज़ है, जैसे 1 मिनट है तो वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, तो जो 2 मिनट है दैट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना था। तो एच इज इक्वल टू 100 into 120 सेकेंड। तो एच बराबर 100 into 12 into 10, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ से H बराबर दिस विल बी 10 to the power 2 इंटू 12 इंटू 10, कुछ नहीं है तो 10 to the power 1। तो H बराबर 12 इंटू 10 to the power 3। और चूँकि हीट एनर्जी है तो इसका यूनिट हो जाएगा J, स्टैंड्स फॉर जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा
ट्वेल्व इंटू 10^3 जूल। तो यहाँ से जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। इंटरेस्टिंग वन कि कौन सा रिलेशन सही नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। दिए हुए इक्वेशन में से कौन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है E बराबर J by सिग्मा, दूसरा है J बराबर सिग्मा E, तीसरा है E बराबर J by सिग्मा एंड फोर्थ वन है रो इंटू जे इज इक्वल टू ई। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा E। उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसमें जो गिवन रिलेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बेसिक रिलेशन है जो जिसके विषय में हम लोग डिस्कस भी करते हैं वो ये है कि J इज इक्वल टू सिग्मा E। एक एक इक्वेशन को हम लोग अभी वेरीफाई करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पर है E बराबर J बाय सिग्मा, E बराबर J बाय सिग्मा, तो इसको यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा J बराबर सिग्मा E। यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो सबसे परफेक्ट इक्वेशन है, ये सही है। इसको भी यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब दिया हुआ है इसमें J बराबर रो इंटू ई, J बराबर रो इंटू ई, और एक दिया हुआ है रो J बराबर ई। तो यहाँ से आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जो रो होता है दैट इज इक्वल टू 1/सिग्मा, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/कंडक्टिविटी, मतलब जहाँ सिग्मा है वहाँ आपको बैठाना पड़ेगा 1/रो। तो इट इम्प्लाइज दैट J बराबर जहाँ सिग्मा है वहाँ बैठा दीजिए 1/रो इंटू ई, तो ये ऊपर चला जाएगा रो इंटू जे बराबर ई। तो ये भी सही है इक्वेशन। तो जो रॉन्ग है इसमें वो ये है सी। तो इसका आंसर हो जाएगा E इज इक्वल टू J बाय रो। अब एक प्रश्न आपके लिए एज अ होमवर्क, दैट Which of the following relation do not represent the electric power? Do not represent the
इलेक्ट्रिक पावर। कुछ इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो पावर के लिए एक्यूरेट नहीं है। देखिए ये जो गिवन इक्वेशंस हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन हम आपको हिंट करते हैं, पावर विच इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो उसके लिए आपको वर्क डन का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। अब वर्क डन आपको चाहिए तो आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए, और यदि पोटेंशियल आपको पता है तो वहाँ से वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से डब्ल्यू निकल जाएगा एंड करंट के इक्वेशन से इक्वेट कर दीजिए तो देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट। ओम्स लॉ का भी यूटिलाइजेशन होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ा जाता है। हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास तक आप इसको क्लियर करके रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।